शांति हैप्पी टीचर्स डे आज आप सबको बहुत बहुत शिक्षक दिन की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो सारे भारत भर में आज विशेष हर स्कूल में हर बच्चे के अंदर ये उमंग उत्साह होता है और बड़ी खुशी के साथ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं विशेष अपने टीचर्स के प्रति एक सम्मान दिल का धन्यवाद हृदय के कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं और उसके लिए सारा दिन टीचर की भूमिका निभाने का प्रयत्न करते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि हर बच्चे के भविष्य के निर्माण में एक टीचर की भूमिका क्या होती है और ये सुंदर दिन मनाने की प्रेरणा हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब वो राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए तब कई लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे 5 सितंबर 1888 उनका जन्मदिन तो हर कोई सोचता था कि उनका जन्मदिन मनाए उनके पास जब ये बात लेकर के गए कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा देखो मैं एक शिक्षक रहा हूं और नेचुरल है एक शिक्षक के कुछ आदर्श सिद्धांत जीवन के होते हैं और तब उन्होंने कहा कि अगर आप मनाना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं लेकिन एक शिक्षक के सम्मान के लिए इस दिन को आप मनाओ तब से लेकर के पांच सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाने लगा जहां हर कोई उस शिक्षक का सम्मान करे आदर करे और उनकी जो मेहनत है उस मेहनत की कदर करे हर बच्चे के भविष्य का निर्माण करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है उस भूमिका को समझे ये तो भारत भर में हर को ये बड़े खुशी के साथ मनाते हैं लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इस दुनिया के शिक्षक तो अनेक है लेकिन उन सब के ऊपर एक परम शिक्षक परमात्मा भी है और परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए तो वो सिर्फ परम पिता के रूप में नहीं आते हैं लेकिन परम शिक्षक परम सतगुरु के रूप में भी इस संसार में अवतरित होते हैं परम शिक्षक बनकर के हर आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके ज्ञान के दिव्य चक्षु खोलते हैं जिससे वो अपनी भूमि का इस संसार चक्र के अंदर देख सके और इसके आदि मध्य अंत को समझ सके साथ ही साथ जो कहावत है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने तो परमात्मा ये श्रेष्ठ लक्ष्य दे करके हम सबको नर से नारायण बनने का एक सुंदर संकल्पना देते हैं जीवन की एक नई दिशा देते हैं जिससे हम अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर सके अपने संस्कारों का दिव्यकरण कर सके और जब इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं तो यही उस परम शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान है दिल का धन्यवाद है हृदय की कृतज्ञता है और इसलिए आज के दिन शिक्षक दिन के निमित्त हम उस परम शिक्षक के प्रति भी प्रतिबद्ध होते हैं एक संकल्प लेकर के हम भी उनके समान बनकर अनेक आत्माओं को जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे ज्योति जगाएंगे और ये दिव्य ज्ञान का प्रवाह ज्ञान गंगा बनकर के हर एक के जीवन में सुंदरता श्रेष्ठता सुमधुरता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं साथ ही साथ कहा जाता है कि ज्ञान है शिक्षा है तो व्यक्ति का जीवन है उसके जीवन में सभ्यता है श्रेष्ठता है और उसी के आधार पर भारत का यह ज्ञानोदय ज्ञान का उदय इस तरह से हम संसार में करें जो भारत विश्व गुरु पुनः बन जाए और कोई उसको विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता है तो ये दिव्य ज्ञान का प्रवाह ही भारत को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा और विश्व के लिए आदर्श विश्व गुरु बनकर के प्रत्यक्ष होगा इन्हीं संकल्पना के साथ हम सभी उस परम शिक्षक के प्रति अपने कृतज्ञता अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं ऐसे शिक्षक दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो चलो हम सब मिलकर के इस शिक्षक दिन पर ये संकल्प करते हैं कि भारत में यह आध्यात्मिकता का प्रकाश इस तरह से फैलाएं जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाए हर भारतवासी जहां सम्मान के साथ जी सके सर उठा करके जी सके ऐसी भावना के साथ शिक्षक की बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो ओम शान To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com slash TV Just a click for a peaceful life.